लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक एल्गोरिथम डिस्कस किया था। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या होती है और कैसे उसका प्रोसेस होता है, तो उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी बात किए थे। जैसे यहाँ दिया हुआ है अडॉप्टिंग इन नेचर, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसको अडॉप्ट कर लेता है ये एल्गोरिथम। ह्यूरिस्टिक सर्च का ये मतलब है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन इजीस्ट, मतलब फास्टेस्ट सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करता है। इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम मतलब है कि जैसे हम जेनेटिक का मेन मतलब ये है कि जैसे कि हमारा जिस तरीके से हम इवोल्यूट किए हैं, जैसे हमारे पहले आज से 5000 6000 साल पहले जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग ने इवोल्यूट किया, इवोल्यूशन हुआ है, उसी तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम का भी इवोल्यूशन होता है। अब ये कहा गया है फिटेस्ट कैन सर्वाइव, ये जैसे पहले कहा गया है, जैसे ह्यूमन इसलिए सर्वाइव किया, ह्यूमन से पहले भी बहुत से ऐसे क्रिएचर्स होंगे जो कि यहाँ रहे होंगे धरती पर, बट फिटेस्ट कैन सर्वाइव, फिटेस्ट सर्वाइव किया। तो जेनेटिक एल्गोरिथम भी इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है। इसमें जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हमें एक बेस्ट सॉल्यूशन मिले। अब उस सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि बिल्कुल जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड क्रोमोजोम्स होते हैं या फिर म्यूटेशंस चीज़ों में होते रहते हैं। म्यूटेशन मतलब चेंजेस, जैसे आजकल कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस में म्यूटेशंस हो रहे हैं, चेंज कर रहा है वो अपने आप, ये सेकंड म्यूटेशन है जो इस बार आया। उसी तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम में भी म्यूटेशंस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। अब होता क्या है कि इसमें कुछ टर्म्स है देखना है, जैसे एडाप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च का मतलब हुआ कि ये एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके, ह्यूरिस्टिक सर्च मतलब एक गुड सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करता है, बढ़िया सॉल्यूशन। इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम मतलब कि हमेशा इसके सॉल्यूशन को बेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन, अब जेनेटिक्स एंड नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि जब भी होता क्या है, हम लोग एक पॉपुलेशन दी रहेगी सॉल्यूशन के, पॉपुलेशन का मतलब कि एक सर्च स्पेस रहेगा, इसमें बहुत ढेर सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो उन सॉल्यूशन में से हम सबका एक फिटनेस वैल्यू निकालते हैं, और फिटनेस वैल्यू निकालने के बाद जो कि बेस्ट फिट, जिसकी फिटनेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, उनका सिलेक्शन करते हैं, नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ है। देन क्या है, टू गिव हाई क्वालिटी सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमम प्रॉब्लम। अब क्या है कि आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा, जब भी ये सेलेक्ट करेगा, जैसे कई ढेर सारे सॉल्यूशन है सबकी फिटनेस चुनेगा, उसमें से जो फिटेस्ट है उसको सेलेक्ट करेगा, देन उसका क्रॉसओवर करके नए पॉपुलेशन को जनरेट करता है या नए सॉल्यूशंस को जनरेट करता है कई ढेर सारे, उसमें से हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है। जैसे आगे देखिए, आगे यानी था पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल, मतलब कि एक तो पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन रहेगी जिसमें से कोई एक इंडिविजुअल सॉल्यूशन होगा हमारा, अगर वो सॉल्यूशन नहीं रहता हमारा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इस पॉपुलेशन में से हम सब चीज़ों का फिटनेस वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद सिलेक्शन करते हैं जो उसमें से बेस्ट फिटनेस वैल्यू जिसकी रहती है, देन उससे हम नया पॉपुलेशन जनरेट करते हैं या ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। तो पॉपुलेशन जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, एनकोडिंग होता है, देन सिलेक्शन यानी फिटनेस वैल्यू देख के, देन क्रॉस ओवर यानी उनका क्रॉस ओवर किया जाता है, उसके बाद जो नई पॉपुलेशन जनरेट होती है उसमें म्यूटेशन मतलब कुछ चेंजेस किए जाते हैं। म्यूटेशंस मतलब हुआ जैसे जीन्स में कुछ चेंजेस होते हैं ह्यूमन बीइंग में, उसी तरीके से इसमें म्यूटेशंस। तो यही चीज है, इसका एक एल्गोरिथम दिया हुआ है जो पिछली बार डिस्कस किए थे। तो जेनेटिक एल्गोरिथम कैसे होता है, इनिशियली क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम जो इनिशियल पॉपुलेशन दिया हुआ है उससे। इनिशियल पॉपुलेशन का मतलब एक सर्च स्पेस दिया हुआ, एक सॉल्यूशंस बहुत ढेर सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कन्वर्जेंस लिखा, कन्वर्जेंस का ये मतलब है कि उस इनिशियल पॉपुलेशन में से अगर आपको कोई इंडिविजुअल ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप कन्वर्जेंस मतलब वहां पे आप टर्मिनेट कर देंगे, यानी वहां पे आप स्टॉप कर देंगे। देखिए यस लिखा कन्वर्जेंस, अगर यस है तो आप स्टॉप कर दिए, आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल गया। अगर आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप इनिशियल पॉपुलेशन में से क्या करते हैं, नो के बाद देखिए सिलेक्शन यानी इवेल्युएट फिटनेस, यानी सारे ही इनिशियल पॉपुलेशन की फिटनेस वैल्यू निकालते हैं। फिटनेस वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो एक क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, जो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरीके से फिटनेस वैल्यू निकाल करके हम
बेटर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जब आप फिटनेस वैल्यू निकाल लेंगे पॉपुलेशन का, तो उसमें सेलेक्ट मेट, मतलब उसमें से जो बेस्ट फिटनेस वैल्यू वाले जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में मैट करते हैं। मैट मतलब कि उससे कोशिश करते हैं कि नया पॉपुलेशन जो जनरेट हो, नया सॉल्यूशन जनरेट हो, वो पिछली बार वाले से ज़्यादा बेटर। तो यहाँ क्या है, सेलेक्ट मेट मतलब आपने फिटनेस वैल्यू के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया, देन क्रॉस ओवर यानी उनके कुछ डिजिट्स में चेंज करते हैं, दोनों के डिजिट्स में इंटरचेंज करते हैं यानी क्रॉस ओवर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आप म्यूटेशन मतलब कि क्रॉस ओवर के बाद जो भी पॉपुलेशन जनरेट हुई है उसमें म्यूटेशन यानी थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें और करते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपकी नई पॉपुलेशन जनरेट होगी और उस नई पॉपुलेशन में से आप फिर से किसी ऑप्टिमम सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब कन्वर्जेंस मतलब अगर वो मिल गया है तो टर्मिनेट कर देंगे यानी स्टॉप हो जाएंगे, नहीं मिला है तो जो नई पॉपुलेशन जनरेट हुई थी उसमें से सेम प्रोसेस फिर से करेंगे, यानी जो फिर से फिटनेस वैल्यू सबका निकालेंगे, फिर से आप उसमें से फिटेस्ट इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर इनका क्रॉस ओवर कराएंगे, फिर उसके बाद जो जनरेट होगा पॉपुलेशन उसमें कुछ चेंजेस करेंगे यानी म्यूटेशन करके। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम जो होता है ये एनपी हार्ड प्रॉब्लम, बताया था एनपी हार्ड का मतलब ये होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए इसे सॉल्व किया जाता है। जैसे जनरल प्रॉब्लम अगर एक सॉल्यूशन है उसका फिर तो इतनी दिक्कत नहीं है, बट अगर आप उसका जनरल सॉल्यूशन नहीं है, उसके कई सॉल्यूशंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में आप जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसका मतलब ये है कि ये रियल बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन हुआ था यानी कि हमारा जो इवोल्यूशन ह्यूमन का हुआ था उसी से इंस्पायर्ड है, ये हमारा इवोल्यूशन तभी हुआ है जब हमसे पीछे वाले जितने क्रिएचर्स थे उसमें से जो फिटेस्ट था वो बचा था, उसके थ्रू इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग का या अदर जानवरों का। तो यही है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन, यानी इसका फोकस रहेगा हमेशा ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन की तरफ। पॉपुलेशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, यानी कि जब भी पॉपुलेशन जब आप जनरेट करेंगे किसी भी इनिशियल पॉपुलेशन से, वो हमेशा कोशिश करेगा कि आपको एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे गिवन प्रॉब्लम, मतलब नई जो पॉपुलेशन जनरेट होगी वो भी उसमें कोई ना कोई इंडिविजुअल होगा जो आपको बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे रहा हो। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल द बेस्ट विल सर्वाइव, वही चीज लिखा है कि जो पॉपुलेशन है पूरा यानी इंडिविजुअल्स को मिला करके उसमें से जो बेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, यानी उसी को आप आगे मेट के लिए सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस ओवर के लिए सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें एक चीज दिया हुआ है, फेनोटाइप एनकोड हुआ जियोटाइप देन डिकोड, तो ये टर्म इसमें यूज होता है, अभी तो इस एग्जाम्पल में नहीं यूज होगा जो हम यूज कर रहे हैं, बट ये टर्म रखिएगा। फेनोटाइप का मतलब है कि आपके पास एक रॉ सॉल्यूशंस दिए हुए, और जीनोटाइप का मतलब है कि आप उसको एक कह सकते हैं फाइन सॉल्यूशन कन्वर्ट कर। इसका एग्जांपल ये होगा कि अगर आप सपोज कर लो कि हम को टेम्परेचर ही नापना है किसी जगह का, तो टेम्परेचर कोई इस तरीके से तो नहीं हो सकता कि हम कहें ठंडा है, तो भाई अगर ठंडी पड़ रही है तो कितनी ठंडी पड़ रही है, जैसे रॉ सॉल्यूशन है कि यहाँ पे इतना ठंडा पड़ रहा है, तो वो एनालॉग डेटा होता है, उसको हम लोग फाइन सॉल्यूशंस मतलब उसको रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो टेम्परेचर बताते हैं कि 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो शुरू में आपको रॉ सॉल्यूशन मिलेगा, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म कह सकते हैं, उसमें फाइन सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर डिकोड करेंगे तो वापस वो रॉ सॉल्यूशन में कन्वर्ट। फिलहाल तो इस बारे में बात में करेंगे, रियल यही समझना है कि एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि जिस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ उसी तरीके से इसका भी हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशन पे आप देखते हैं हमेशा ध्यान देते हैं, जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमेशा पॉपुलेशंस में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और जो भी फिटनेस वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में वहीं सर्वाइव करेगा, यानी उसी से आप दोबारा आगे क्रॉस ओवर करेंगे। और लास्ट चीज़ थी कि ये एनपी हार्ड प्रॉब्लम, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जिसके कई सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसके लिए जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करते हैं कि आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिले उस पॉपुलेशन में से, मतलब उस कई सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे वही चीज है जो मैं पहले बताया था, इनिशियल पॉपुलेशन है, क्या किया, कैलकुलेट फिटनेस वैल्यू पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल्स के कैलकुलेट किए,
सेलेक्ट किए जिसके फिटनेस वैल्यू सबसे ज्यादा है, उनमें क्या किए, क्रॉसओवर किए, क्रॉसओवर के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है पॉपुलेशन उसका म्यूटेशन कर रहे हैं, यानी फिर उसमें कुछ छोटा मोटा चेंजेस कर रहे हैं, और लास्ट में जाकर के टर्मिनेट कर दे रहे हैं जब आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन मिल जाए। नहीं मिल रहा है तो फिर यहाँ पे फिर से फिटनेस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेम फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा इसका डिजाइन अलग है जो ऊपर बताया था। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सवेन और नैपसैक। तो हम मैक्सवेन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैक्सवेन क्वेश्चन जो है उसका एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे। देखिए जेनेटिक एल्गोरिथम का एग्जांपल मैक्स वन दिया। मैक्स वन प्रॉब्लम बेसिकली क्या था, मैक्स वन प्रॉब्लम्स का ये मतलब था कि आप कोई कॉइन दिया हुआ है और उस कॉइन को आपको टॉस करना है। तो इस एग्जांपल में हम ये लेते हैं कि हम 60 टाइम्स टॉस करते हैं उस कॉइन का और हमें चाहिए टेल। तो मेरा ऑप्टिमम सोल्यूशन ये है कि मुझे टेल चाहिए उस 60 टॉस में 40 टाइम्स हमें टेल्स चाहिए। तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या होगी कि शुरू में हम क्या करेंगे कि टॉस करेंगे, यानी कि 60 टाइम टॉस करेंगे कॉइन का और उसको 6 स्लॉट में बांट दें, यानी कि एक स्लॉट में 10 बार टॉस, दूसरे वाले में 10 बार टॉस किए हैं, तीसरे में 10 बार टॉस, और इस तरीके से 6 टाइम टॉस करें, 6 बार इसको 6 स्लॉट में बांट देंगे जिसमें 10-10 टाइम्स आपने टॉस किया है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैक्स वन का, यहाँ देखिए एक कॉइन है जिसको हमने 10 टाइम टॉस किया जिसमें 5 टाइम्स टेल्स आया है, 5 टाइम्स हेड आया है। तो 1 जो है वो टेल्स को दिखा रहा है, जो 0 है वो हेड को दिखा रहा है। हमारा काम क्या होगा, मैक्सिमाइज द डिजायर्ड आउटपुट बाय यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम, यानी कि हमें अगर हेड चाहिए हर बार तो जेनेटिक एल्गोरिथम से हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ सॉल्यूशन किस तरीके से दिया है, यहाँ पे हम शुरू में क्या हुआ क्वेश्चन यहाँ लेके चले हैं, इसमें लिखा है कॉइन टॉस 60 टाइम्स डिवाइडेड इनटू 6 स्लॉट्स, यानी कि आपने 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, 60 टाइम टॉस किया है कॉइन का। तो इसमें एल इक्वल्स टू 10 है, यानी कि जो लेंथ, कहने का मतलब है कि एक स्लॉट में 10 टाइम्स आप टॉस कर रहे हैं और एन इक्वल्स टू 60 है, यानी कि टोटल टॉस जो है वो आप 60 टाइम्स किए हैं। तो ये इनिशियल पॉपुलेशन है, S1 से लेकर के S6 जो है ये इनिशियल पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑप्टिमम सॉल्यूशन में। तो देखिए यहाँ पे S1 की फिटनेस वैल्यू कैसे निकाली गई, ये सबसे पहले क्या करते थे, अगर आप देखेंगे डायग्राम में, डायग्राम पहले डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले हम इनिशियलाइज करते थे, इनिशियलाइज यहाँ पे हम कर दिए, इनिशियल पॉपुलेशन मिल गई आपको, देन हम क्या करते थे फिटनेस वैल्यू निकालते। तो इसमें देखिए S1 से S6 तक फिटनेस वैल्यू निकाली गई है, हमें चाहिए टेल। तो जिस स्लॉट में जितनी बार टेल्स आया होगा वो उसकी फिटनेस वैल्यू होगी। फिटनेस वैल्यू जो निकाली गई है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 7 टाइम्स टेल्स आया है, तो FS1 इक्वल्स टू 7 है, यानी 7 इसकी फिटनेस वैल्यू है। इसी तरीके से S2 को देखा गया तो 5 फिटनेस वैल्यू, S3 को देखा गया तो 7 फिटनेस वैल्यू, यानी यहाँ पे 7 टाइम्स 1 आया। S4 को देखा गया तो 4 फिटनेस वैल्यू, यानी 4 टाइम्स आपका टेल आया। S5 में 8 है और S6 में 3 है। ये आपकी क्या है, फिटनेस वैल्यू हर एक स्लॉट की इंडिविजुअल यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अब टोटल हम देखेंगे कितनी फिटनेस वैल्यू 60 में से होगी, तो यहाँ 34 आ रही है, यानी टोटल फिटनेस वैल्यू 34 आ रही है, यानी 34 टाइम्स आपको क्या मिल रहा है, टेल मिल रहा है। अब मैंने कहा है कि हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है वो 40 है, सपोज कर लीजिए हमें 40 टाइम्स टेल्स चाहिए। तो इसको किस तरीके से आप जेनेटिक एल्गोरिथम का यूज करके सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ये मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ। तो देखिए अगर ये टोटल 60 टाइम्स टॉस हो रहा है तो 7 टाइम उसका करीब 20% होगा, तो मैंने यहाँ 20% लिख दिया। इसी तरीके से 5 का कुछ परसेंट होगा, 7 जो है 20% होगा 60 में से, 8 जो है 23% होगा, यानी कि फिटनेस वैल्यू को हमने परसेंटेज में चेंज किया है। तो
तो जो S5 है उसकी फिटनेस वैल्यू 23% है, S3 की 20% है, S1 की 20% है। तो इस तरीके से फिटनेस वैल्यू हमने यहाँ दो तीन की निकाल के दिखा दी, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ देखेंगे कि रोटर व्हील दिया हुआ है, तो रोटर व्हील का एग्जांपल का बहुत मतलब नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूँ रोटर व्हील होता क्या है। रोटर व्हील ये होता है कि कैसीनो वगैरह में आप देखते होंगे कि एक व्हील रहता है जिसमें एक कह सकते हैं वो क्या कहते हैं उसको, जो भी चीज देखी जाती है वो जहाँ रुकता है उसके हिसाब से चीजें वहां पर डिसाइड होती है। तो हमने रोटर व्हील में अगर इस चीज को डिवाइड करके देखा है, ये इतनी भी S1 से लेकर S6 है, तो ये 360 डिग्री में सारी चीजें डिवाइड होंगी, ये 6 पार्ट। तो देखिए S5 का सबसे ज्यादा परसेंटेज है, हमने सबसे ज्यादा उसके ब्लॉक में जगह दी हुई है जो कि 23%। उसके बाद कौन सा है, S1 और S3 है जो कि 20-20% है। देखिए S1 और S3 की थोड़ी और ज्यादा है। तो रोटर व्हील में इस तरीके से डिवाइड करके दिखाया गया, ये आप चाहे दिखाएं या चाहे तो नहीं दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हम क्या किए हैं, अरेंज अकॉर्डिंग टू फिटनेस, फिटनेस के अकॉर्डिंग हम फिर से इसका रीअरेंजमेंट किए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फिटेस्ट जो है S5 है, ठीक है, लेकिन हमने S1 को ऊपर रखा है। आप S5 को ऊपर रख करके इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। S1 को ऊपर रख दिया हूँ, S1 का क्या है आपका 20% फिटनेस है, इसमें 7 वैल्यू थी, तो S1 को सबसे पहले लिख दिया, फिर S3 को लिख दिया जिसकी 20% थी, फिर S5 को लिख दिया जिसकी 23% थी। आप S5 को ऊपर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट यहाँ पर मैंने नीचे लिखा। इसी तरीके से S5 के बाद आप देखेंगे तो S2 है जिसमें 5 टाइम्स आ रहा था K, फिर S4 है जिसमें 4 टाइम्स आ रहा, फिर S6 इसमें 3 टाइम्स आ रहा। आपने इनको जो है रीअरेंज कर लिया है फिटनेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ S5 ऊपर होना चाहिए था, चलिए S1 S3 भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने रीअरेंजमेंट करके रीनेम कर दिया, यानी S1 को S1 लिख दिया है, S3 को S2 लिख दिया है, S5 को S3 लिख दिया है, S2 को S4 लिख दिया है, S4 को S5 लिख दिया, और S6 को S6 लिख दिया। यानी जिस हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस तरीके से हमने इसको रीनेम कर दिया। तो यहाँ तक हो गई ये बात आपकी फिटनेस वैल्यू। सबसे पहले क्या किए, इनिशियल पॉपुलेशन लिए, सबकी फिटनेस वैल्यू निकाले, फिटनेस वैल्यू के हिसाब से रीअरेंजमेंट कर दिया, रीनेम कर दिया, तो इतना ही काम। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम क्या करते थे, सिलेक्शन देन क्रॉस ओवर। तो हम ये कह रहे हैं कि S1 और S3, देखिए क्रॉस ओवर यहाँ सभी के बीच में होगा, तो हमने क्या किया है क्रॉस ओवर के लिए यहाँ पे S1 और S2, यहाँ S1 होना चाहिए या S2 होना चाहिए, डैश नहीं लिखा, तो S1 और S2 पे हमने क्रॉस ओवर किया है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से क्रॉस ओवर हुआ है, क्रॉस ओवर करना ये आपके ऊपर है कि वहाँ सॉल्यूशन में आप किस तरीके से करते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करें। हमने क्या किया क्रॉस ओवर, कि शुरू की जो 2 बिट है वो सेम रखी, ये मैक्सिमम प्रॉब्लम में इसी तरीके से क्रॉस ओवर करते हैं कि शुरू की जो 2 बिट है वो हमने सेम रखी हुई है, और लास्ट की जो 8 बिट है वो इंटरचेंज कर दी, यानी क्रॉस ओवर कर दी। देखिए S1 जो डबल डैश नया निकल के आया है वो देखिए 1-1 तो शुरू की सेम है, बाकी की जो डिजिट है वो नीचे वाली से हमने इंटरचेंज कर दी, 1011 0101 आया, और इसी तरीके से S2 जो आया है वो ऊपर वाली डिजिट हमने फिर नीचे यहाँ कर दिए, 2 डिजिट सेम रख करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस ओवर किया गया, ठीक है। तो ये नया ऑफ स्क्रीन यहाँ जनरेट हुआ है S1 और S2। इसी तरीके से हमने S5 और S6 में किया हुआ है, S5 और S3। अब देखिए यहाँ फिटनेस वैल्यू सबसे ज्यादा थी S1 S2 की, तो इनकी आपस में हमने सबसे पहले क्रॉस ओवर कर दिया है, फिर उसके बाद देखिए फिटनेस वैल्यू जो है S3 की और S5 की, S3 और S5 का हमने कर दिया। यहाँ इन दोनों में भी आप कर सकते हैं, जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं, हमने S3 और S5 को ले लिया। तो S3 और S5 का जब हमने क्रॉस ओवर किया है तो इस बार हमने क्या किया है कि शुरू की 5 डिजिट सेम रहने दी। आप पिछली बार की तरह भी कर सकते हैं कि शुरू की 2 डिजिट सेम रख सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने यहाँ पे शुरू की 5 डिजिट सेम रखी है, बाकी का क्रॉस ओवर कर दिया। तो जो नया ऑफ स्प्रिंग आया है S5 वो आपका 010000, ये तो सेम है, बाकी आपने इंटरचेंज कर दिया है। इसी तरीके से S3 इंटरचेंज, ये आपकी नई पॉपुलेशन।
इसी तरीके से अब आपके पास S4 और S6 केबल बच रहा है। तो अब S4 और S6 का क्रॉस ओवर किया है हमने, और यहाँ पे आपका नया ऑफ स्प्रिंग आ गया S4" और S6". तो देखिए हमने फिर से उस चीज को लिख दिया है यहाँ पे, देखिए S1" S2" S3" S4" S5" और S6". तो क्रॉस ओवर के बाद जो नया पॉपुलेशन मिला है वो आपको ये मिला है, यानी कि पहला काम हो गया है, इनिशियल पॉपुलेशन मिल गया है, उसका फिटनेस वैल्यू निकाल लिए हैं, मेट सेलेक्ट कर लिए हैं दो दो, और सिलेक्शन करने के बाद आपने क्रॉस ओवर करके नई पॉपुलेशन जनरेट कर, नए पॉपुलेशन जनरेट करने के बाद म्यूटेशन करते हैं। तो म्यूटेशन कैसे करते हैं, म्यूटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वन है उसको जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो जीरो है उसको वन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो कुछ इंडिविजुअल्स में आप कोई म्यूटेशन ना करें। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे जीरो की जगह देखिए यहाँ पे वन रखा हुआ, यहाँ जीरो की जगह वन रखा हुआ, देखिए म्यूटेशन के बाद S2 में हमने कोई म्यूटेशन नहीं किया है, चाहे तो कर सकते हैं आपके ऊपर है। S3 में हमने यहाँ जीरो की जगह वन, यानी कुछ जीन्स में चेंजेस किए हैं, यानी कि म्यूटेशन यहाँ पे वन कर, उसी तरीके से S1 जगह यहाँ पे हमने जीरो कर दिया है, और जीरो जीरो की जगह हमने वन वन कर दिया, ठीक है। देखिए वन जो जहाँ पे था वहाँ पे ये जीरो हो गया, जीरो जहाँ पे जीरो जीरो था वहाँ पे वन हो गया। इससे फोर म्यूटेशन क्या है, S6 में है और S6 में किया। तो म्यूटेशन करने के बाद हम दोबारा फिटनेस वैल्यू निकाल रहे हैं, जब दोबारा फिटनेस वैल्यू निकाल रहे हैं तो S1" की फिटनेस वैल्यू आ रही है 8, S2" की आ रही है 7, S3" की आ रही है 8, S4" की आ रही है 5, S5" की 5 आ रही है, और S6" की 5 आ रही है। ये आपकी इंडिविजुअल्स फिटनेस की वैल्यू है, और जब आपने इनका सम किया है तो आपको मिला है 38, यानी कि 38 आपकी टोटल फिटनेस वैल्यू है 60 में से। आपको क्या करना था, आपको 40 निकालना है। तो अभी तो आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिला नहीं है, आप क्या करेंगे, ये जो नई पॉपुलेशन जनरेट हुई है म्यूटेशन के बाद, इसमें वही प्रोसेस फिर से करेंगे। मतलब ये जो सेलेक्ट हुआ है इनमें सबकी फिटनेस वैल्यू निकालेंगे, जो आप निकाल चुके हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो करीब करीब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। उसके बाद फिर से क्रॉस ओवर कराएंगे, तो S1 S2 का करा सकते हैं, S3 S4 का और S5 S6 का। क्रॉस ओवर के बाद दोबारा म्यूटेशन करेंगे, म्यूटेशन में आप इस तरीके से चेंज करिएगा, मतलब जीरो को वन रखिएगा, इस तरह से ध्यान रखिएगा काउंट करने पे। जब आप काउंट करेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कब आपका 40 है, या फिर हो सकता है क्रॉस ओवर पे ही आपको 40 मिल गया हो, म्यूटेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे 40 यानी 40 से ज्यादा ही आए तो ठीक है, तो उसके बाद आप दोबारा म्यूटेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा और म्यूटेशन किए होते तो हमें 40 मिल जाता, यानी कि इस जीरो की जगह वन रख दिए होते हैं S5 ने, और यहाँ कहीं जीरो की जगह वन रख दिए होते तो आपको सोल्यूशन मिल जाता, यानी 40 आ जाता। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करते हैं, ये तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, एक बार और करें। तो ये बस एक प्रोसेस, एक नेक्स्ट वन प्रॉब्लम है जिसको जो है सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से सारा प्रोसेस हो रहा है। इसमें कुछ पूछना है किसी को, नहीं पूछना सर? S1 S2 की वैल्यू कहाँ से आ रही है, मतलब S6 से तक? सर यही S1 S2 S3 में से पूछ रहे हो? यस सर, रिज्यूम किया हुआ, ये टॉस करने किस तरीके से आ रहा है, ठीक ये हो सकता है आपको गिवन रहे क्वेश्चन में, अगर गिवन आ रहा है बोले कि मैक्सिमम प्रॉब्लम को जेनेटिक एल्गोरिथम से सॉल्व करके दिखाइए, आप एज्यूम करेंगे जो लिखा हुआ है पूरा उसी तरीके से। सपोज वी हैव अ कॉइन व्हिच वी हैव टॉस 60 टाइम्स एंड डिवाइडेड द स्लॉट इनटू और स्लॉट नंबर ऑफ टेल्स एंड स्लॉट टू 5 नंबर ऑफ टेल्स, इस तरीके से आप बता देंगे फिटनेस वैल्यू दिखाए और रिस्क हो जाए। देखिए तो मैथ्स वन प्रॉब्लम है, नैप्स में मुझे देखना पड़ेगा, नैपसेक अगर देखता हूँ सॉल्यूशन होगा तो कल नैपसेक का ही हम लोग एक बार और करेंगे। मेन ये जो प्रोसेस जो दिखाई गई है ना, ये किस तरीके से फ्लो चार्ट में काम कर रहा था वही, ठीक है। इसके बाद हम चाहेंगे
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक एल्गोरिथम में नेक्स्ट एल्गोरिथम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस जेनेटिक एल्गोरिथम में ये वाला जो प्रोसेस है स्टॉपिंग क्राइटेरिया टर्मिनेशन, ठीक है, ये जो टर्मिनेशन वाला है जिसको हम लोग कन्वर्जेंस भी कहते हैं। तो कन्वर्जेंस की कंडीशन क्या क्या होती है, टर्मिनेशन की कंडीशन क्या क्या होती है, तो चार पांच कंडीशन है वही हम लोग देखेंगे कब टर्मिनेट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ जेनेटिक एल्गोरिथम का इंट्रो हो जाएगा और एक क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी इसके बाद एक CBR आपको पढ़ना है, तो भी देख उसमें भी एग्जांपल्स लेके ही चलेंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा जब मैं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट जरूर होगा इसका सॉल्यूशन देखने, उसमें ध्यान से देखना है लिखना कैसे ये ध्यान रखना, ठीक है, हो जाएगा आपका। पहले का कुछ पूछना है?